अब इस चैप्टर का हमारा अगला प्रोसेस होता है, बचा है देखो, न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन से तुम्हें मिला ग्लूकोज, ठीक है, रेस्पिरेशन लिया, रेस्पिरेशन से तुम्हें मिली ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को तुमने ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवाया और बॉडी को क्या दिलवाई, एनर्जी, एनर्जी तैयार है। मैं ये बात मानता हूं, देखो मैं ये बात मानता हूं, तुम्हें न्यूट्रिशन से ग्लूकोज मिला, रेस्पिरेशन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली ऑक्सीजन, तुमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली एनर्जी, इन दोनों प्रोसेस का काम हो गया खत्म। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये जो एनर्जी मिली है, जो एनर्जी रेस्पिरेशन के द्वारा सेल के अंदर अभी है, उस एनर्जी को अलग अलग पार्ट तक, उस एनर्जी को बॉडी के हर ऑर्गन तक, उस एनर्जी को बॉडी के हर एक टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट भी तो करना है भाई। एनर्जी तैयार तो हो गई है, एनर्जी तैयार तो हो गई है, लेकिन उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, जो ऑक्सीजन तुम्हारे सेल के अंदर है उस ऑक्सीजन को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक कैसे पहुंचाओगे। इसका मतलब ये हुआ हर एक जरूरी कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसके अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर बात हो रही है कि अगर एक कंपोनेंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो व्हाट इज द प्रोसेस, क्या प्रोसेस है और क्या ये प्रोसेस जरूरी है, और अगर जरूरी है लाइफ के लिए तो क्या इसको लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। बिल्कुल भाई, तुम्हें याद होगा एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन, और बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है। बताओ बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज मिला है, ग्लूकोज से जो एनर्जी मिली है बॉडी के अगर अलग अलग पार्ट तक नहीं पहुंचाई जाए तो क्या फायदा है उस ग्लूकोज का। बॉडी को जो ऑक्सीजन मिली है रेस्पिरेशन से, अगर उस ऑक्सीजन को ब्रेन तक ना पहुंचाएं या फिर पैर के सेल तक ना पहुंचाएं, ठीक है, हाथों तक ना पहुंच पाए, तो क्या फायदा है उस ऑक्सीजन का, बिल्कुल भी नहीं। न्यूट्रिशन से तुम्हें याद होगा न्यूट्रिशन से कुछ वेस्ट मटेरियल आया था ना, है ना, हमेशा ध्यान रखना थोड़ा बहुत खाना ऐसा रह जाता है जो कैसा होता है, अनडाइजेस्ट, अनडाइजेस्ट यूरिन भी होता है, बताओ वेस्ट मटेरियल है ना, उसको किडनी तक पहुंचाएंगे और किडनी तक तभी पहुंचाएंगे जब बॉडी के अंदर क्या काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन। तो मुझे बताओ बॉडी की एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए, बॉडी की एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है या नहीं, और अगर ये प्रोसेस जरूरी है लाइफ के लिए, मतलब अगर हमें अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखना है तो उस केस में अगर ये प्रोसेस जरूरी है तो क्या इसको लाइफ प्रोसेस बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। बिल्कुल, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस, क्योंकि अगर ये रुक गया, अगर ये प्रोसेस रुक गया तो ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, पानी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन बॉडी के अलग अलग पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, वेस्ट मटेरियल किडनी तक नहीं पहुंचेगा। सोचो ये सारी चीजें जब एक ही जगह पड़ी रहेंगी तो क्या फायदा इन चीजों का फिर, ठीक है, हम इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब तो कर ही नहीं पाए। तो एब्जॉर्ब अगर करवाना है तो जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गन काम नहीं करता है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया और बेहतरीन ऑर्गन लिखवाऊंगा इस चैप्टर का। मैं तो ये बताता ही हूँ कि न्यूट्रिशन भी बहुत बढ़िया है, रेस्पिरेशन भी मैंने बहुत कमाल का समझाया और ट्रांसपोर्टेशन भी समझाऊंगा, लेकिन मेरे मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन सबसे बढ़िया प्रोसेस है, बहुत ही मजेदार प्रोसेस है। क्या है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बॉडी के अंदर किसी एक कंपोनेंट को दूसरी जगह पहुंचाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यही क्या कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो बहुत ही छोटे लेवल पे बात करूंगा, वैसे तो हमें प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है और एनिमल के अंदर भी पढ़ना है, एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बड़ा है। तुम्हें एक बात हमेशा से मालूम है कि प्लांट के अंदर पानी वगैरह ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन सा टिश्यू करता है, जाइलम, वर्ड याद आया, प्लांट के अंदर पानी पहुंचाने का काम वो जाइलम टिश्यू क्या काम करता है, वो रूट से पानी लेता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, बॉडी मतलब प्लांट बॉडी, ठीक है, और जितना भी फूड वगैरह होता है, फूड मटेरियल ग्लूकोज न्यूट्रिशन, ये प्लांट को कौन एक दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, फ्लोएम। तो दोनों टिश्यू कमाल के हैं, ये लिक्विड ट्रांसफर करता है और ये सॉलिड मटेरियल ट्रांसफर करता है। सॉलिड का मतलब ये नहीं है ठोस, सॉलिड का मतलब है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है,
फूड मटेरियल से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, और ये दोनों ही टिश्यू क्या कहलाते हैं, क्योंकि क्योंकि ये बॉडी के हर एक पार्ट तक कंडक्ट करते हैं। ये पानी कंडक्ट करता है और ये फूड मटेरियल कंडक्ट करता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू क्यों, एक नंबर में पूछा गया है कई बार कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन से टिश्यू करते हैं, तो तुम्हें या तो ये बता देना है जाइलम एंड फ्लोएम, या फिर ये बता देना है कि कंडक्टिंग टिश्यू, एक वर्ड से काम चल जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं अगर इन्हें ये पता है कंडक्टिंग टिश्यू तो नाम भी पता होगा, तो एक नंबर में काम चल सकता है। और ये भी बता दोगे ना कि इन्हें कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं और इनका नाम होता है जाइलम और फ्लोएम, तो और भी अच्छी बात है एक नंबर में। फिर अब नंबर टू में देखेंगे एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो देखो मैंने पहले बताया था एनिमल के अंदर कोई एक ऑर्गन नहीं है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसके अंदर ब्लड, हार्ट, लंग्स, बहुत सारे ऑर्गन है जिनको हम पढ़ेंगे। तो इतने सारे ऑर्गनों को ना एक कलेक्टिव वर्ड में कहते हैं कि बॉडी के अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन काम करता है वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन सा सिस्टम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कोई ऑर्गन है, नहीं ये ऑर्गन नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम तो कलेक्शन है ऑर्गन का। इसके अंदर ब्लड भी आता है, इसके अंदर तुम्हारा हर्ट भी आता है, इसके अंदर लंग्स भी आते हैं, इसके अंदर लिम्फ भी आते हैं, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में फैले हुए होते हैं और बॉडी को ट्रांसपोर्ट कराने में, मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। बस इतना ध्यान रखो अगर एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम कोई संभालता है तो वो कौन सा संभालता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमें ये देखना है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या चीज है। अब इस चैप्टर का ट्रांसपोर्टेशन के बाद अगला मेन हेडिंग आएगा, कोई सब हेडिंग नहीं है, मेन हेडिंग है, हेड बताओ क्या ये कोई ऑर्गन है, नहीं ये कोई ऑर्गन नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो मिलजुल कर काम करवाता है किससे, ब्लड से। किससे काम करवाता है, हार्ट से। किससे काम करवाता है, लंग से। किससे काम करवाता है, लिम्फ से। किससे करवाता है, लिम्फेटिक वेजल से। ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट मैंने बोले, इन सबको मिलाकर बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी बुक के अंदर प्रॉपर एक्सप्लेन करा गया है कि हर्ट कैसे काम करता है ट्रांसपोर्टेशन में, और लंग्स कैसे काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, और लिम्फ। तो ध्यान रखना हर्ट के डायग्राम पे टिक कर लेना, एनसीईआरटी में जो तुम्हें हर्ट का डायग्राम दे रखा है ह्यूमन हर्ट, उस पर टिक कर लेना। ये तुम्हारा 2008 दिल्ली में 2009, 2011, 2013 कंपार्टमेंट, 2015 और 2016 इतनी बार ये हर्ट का डायग्राम तुम्हारा पूछा गया है। दो तरह से आता है, हर्ट का डायग्राम दे देते हैं, एरो बना देते हैं, बताओ इसकी जगह क्या आएगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है कुछ बातें लिख देंगे, बोलेंगे हर्ट का डायग्राम बनाकर उन पर ये बातें दिखाओ कहां पर आती हैं। ठीक है, ब्लड में मानता हूं कोई ऑर्गन नहीं है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन ये भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तुम्हें मालूम है एक चीज तो तुम्हें याद होगी, बॉडी को हर ऑर्गन के पास, हर एक छोटे सेल के पास किस चीज की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। और क्या उसको ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से नहीं मिलती, तुम याद करो वर्ड जब मैंने चैप्टर स्टार्टिंग में बताया था, जिसको नहीं ये बात याद मैं बताता हूँ फिर से, तुम्हें याद होगा बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन पता है हीमोग्लोबिन में घुल जाती है, और हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी, और आरबीसी मतलब ब्लड, ब्लड सेल। तो ब्लड सेल के अंदर ये ऑक्सीजन घुल जाती है और बॉडी के अलग अलग पार्ट तक क्या पहुंचाई जाती है, ऑक्सीजन। खैर मैं इस पार्ट को भी ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये किसका फंक्शन है, हर्ट का। जब मैं तुम्हें हर्ट समझाऊंगा ना तब तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इतनी बात जरूर ध्यान रखो ब्लड भी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को कनेक्ट करता है और ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम बखूबी निभाता है। तो ये मत सोचना कि ब्लड कोई ऑर्गन नहीं है, ये तो कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन फिर भी ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वेजल्स का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, इंग्लिश में बर्तन भी होता है, लेकिन ये मत सोचना कि खूनी बर्तन। यहाँ पर ब्लड वेजल्स का मतलब है जिन नसों में खून बहता है। जिन नसों में क्या, हर नस में खून बहता है, ये भी मैं बताऊंगा ये क्या चीज होती है, लिम्फेटिक वेजल्स। देखो एक्सप्लेन तो सभी करने हैं, थोड़ा कोई सा टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो कोई सा टॉपिक थोड़ा सा कम, जैसे कि मैंने दो बताए हर्ट और ब्लड, इनको तो खुलकर एक्सप्लेन करना है बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मिलकर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती हैं सारी चीजें।
तो देखो जितनी भी चीजें मैंने लिखवाई हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में सबको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे ब्लड से। बताओ, खून नहीं तो कुछ नहीं, अगर खून नहीं होता तो क्या होता फिर? तो एक एक करके एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ब्लड का काम क्या होता है, ध्यान रखना, ब्लड के फंक्शंस पेपर में अब तक कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार ब्लड के फंक्शन कई बार आए बनाने को नहीं मतलब लिखने को, बनाता कौन है फंक्शन? देखो तुम्हें ब्लड की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि ब्लड एक प्रकार का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, ब्लड एक तरीके का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी के हर पार्ट तक होता है, हर भाग में होता है, हर छोटे से छोटे हिस्से में होता है। ठीक है, बस बन गई डेफिनेशन, लिखो जरा ब्लड को, देखते हैं इसके अंदर है क्या चीज। ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर मेनली दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के अंदर एक चीज पाई जाती है ब्लड प्लाज्मा, और एक पाए जाते हैं ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। ध्यान रखना, ब्लड प्लाज्मा तो एक तरह का लिक्विड होता है, ब्लड प्लाज्मा एक तरीके का क्या होता है, फ्लूड होता है जो खून के अंदर मिला हुआ होता है। लेकिन सेल्स तीन तरह के होते हैं, जो ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं बचपन से सुना होगा, एक होता है आरबीसी, जिसकी वजह से ब्लड कैसा दिखाई देता है, लाल, सिर्फ और सिर्फ आरबीसी की वजह से, और एक होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो बॉडी को बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, डब्ल्यूबीसी का होना जरूरी है। ठीक है, और एक होती है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स। क्या होती हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। तो देखो प्लेटलेट्स मैंने पूरा नहीं लिखा, बाद में लिख लेंगे जब एक्सप्लेन करेंगे, तो इतनी कहानी खत्म हो जाती है ब्लड की। इसका भी अपना काम है, इसका भी अपना फंक्शन है, और इसका भी अपना फंक्शन है, और ब्लड प्लाज्मा का भी अपना फंक्शन है, और ये सारे मिलकर किसके फंक्शन बनते हैं, ब्लड के। इतनी चीजें ब्लड के अंदर होती है, इतनी चीजें ब्लड के अंदर होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कई बार, ठीक, आरबीसी रेड दिखाई ही क्यों देते हैं? माना कि चलो आरबीसी की वजह से पूरा का पूरा ब्लड कैसा होता है, रेड होता है, लाल होता है, लेकिन आरबीसी लाल क्यों होते हैं? ध्यान रखना, आरबीसी लाल होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, क्या मिक्स होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ध्यान रखना, कई बार पेपर में यह भी पूछा गया है कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन तो मिलती है, लेकिन ऑक्सीजन ब्लड के कौन से सेल से मिलती है? तो ध्यान रखना, आरबीसी, आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन। देखो ब्लड के अंदर हमेशा हीमोग्लोबिन मिक्स नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना, ब्लड के अंदर कभी भी ऑक्सीजन मिक्स नहीं होती है, उसको मिक्स करवाया जाता है। ब्लड तो सिर्फ ब्लड है, क्या ब्लड के अंदर नेचुरली ऑक्सीजन होती है? नहीं। अगर ब्लड के अंदर नेचुरली ऑक्सीजन होती ना, सोचो मेरी बात को जरा, अगर हमारे शरीर में जो खून बहता है उस खून में नेचुरली ऑक्सीजन होती, प्राकृतिक रूप से अगर उसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती, तो हम क्या पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते ऑक्सीजन के लिए? नहीं। फिर तो हम जानते हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली बन रही है, हम क्यों जरूरत माने? नहीं, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नेचुरली नहीं होती है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन को ऐड करवाया जाता है। तो ब्लड को ये ऑक्सीजन मिलती कहां से है? ब्लड को ये ऑक्सीजन मिलती है रेस्पिरेशन से। याद करो, रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन लेना, CO2 देना और एनर्जी भी जनरेट करना, लेकिन अभी मुद्दे की बात है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन से मिल गई, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिला दी गई। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में मिलाने का काम कौन करता है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बता सकता। लंग्स का फंक्शन है ये भी, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, तब समझ में आएगी। तो तब जाके पूरी बॉडी को क्या मिलती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो तुम्हें कुछ बातें ध्यान रहेंगी, तो पहले मैं बताऊंगा तुम्हें प्लाज्मा के बारे में, जिसको क्या बोला जाता है, ब्लड प्लाज्मा। एक ही बात है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर होता है इसलिए ब्लड प्लाज्मा बोला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि इसके अंदर काम क्या होता है। देखो तुम्हें याद है ना, बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल बच जाता है, बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत क्या बच जाता है, वेस्ट मटेरियल। उस वेस्ट मटेरियल को किडनी तक ले जाने का काम, उस वेस्ट मटेरियल को उस पार्ट तक ले जाने का काम जहां से उसको बाहर किया जाएगा, कौन करता है, ब्लड प्लाज्मा। जितनी भी वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी के, को बाहर करने का काम किसके अंदर मिक्स करवा के किया जाता है, प्लाज्मा के अंदर। ये क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ना लिक्विड की फॉर्म में, वो किस में मिक्स हो जाता है, प्लाज्मा में, और प्लाज्मा उसे कहां तक ले जाता है, किडनी तक, बह बह कर। ठीक है, एक काम और होता है प्लाज्मा का,
प्लाज्मा के अंदर ही सीओ टू को मिक्स किया जाता है। तुम्हें याद होगा लंग्स का जब अभी मैं फंक्शन पढ़ा कर आया हूँ रेस्पिरेशन से, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आती है लेकिन बाहर क्या निकलती है, सीओ टू। वो सीओ टू बह बह कर बॉडी के बाहर पहुंचाई जाती है, लेकिन किसकी वजह से, प्लाज्मा की वजह से। मतलब प्लाज्मा ने दो दो काम संभाल रखे हैं, एक तो वो वेस्ट मटेरियल को बाहर कर रहा है और एक ये बॉडी के अंदर जो सीओ टू प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर जो सीओ टू डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है उसको बाहर कर रहा है। तो दोनों काम कौन देखता है, प्लाज्मा। पेपर में आया है कई बार एक नंबर में, ब्लड के अंदर उस कंपोनेंट का नाम बताओ जो सीओ टू को ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा। ब्लड के अंदर उस कंपोनेंट का नाम बताओ जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसी। वर्ड याद है ना, अभी मैंने लिखवाया था आरबीसी। ब्लड के अंदर उस कंपोनेंट का नाम बताओ जो सीओ टू ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा। और ब्लड के अंदर उस कंपोनेंट का नाम बताओ जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसी। ठीक है, तो बातें याद रहनी चाहिए। तो पढ़ते हैं सेल्स, और तुम्हें मालूम है तीन तरह की चीजें हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो एक एक करके पढ़ेंगे। तुम ये मत बोलना रेड ब्लड सेल, ये तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग हो गया रेड ब्लड सेल। अब तो सेल की जगह एक नया वर्ड बोलेंगे, लिखो रेड, पहले फुल फॉर्म लिख लो ब्रैकेट में, रेड ब्लड कर्पस्कल्स, कर्पसल्स। इसको हम पढ़ते हैं कर्पसल्स, जो भी पढ़ो प्रोनाउंसिएशन में कुछ नहीं रखा, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो रेड ब्लड सेल, ये तो बहुत ही कॉमन नेम हो गया, रेड ब्लड कर्पसल्स। एक बढ़िया नाम ढूंढते हैं, देखो इसका एक दूसरा टिपिकल नाम होता है, वो तुम्हें याद रखना है, पेपर में जब भी आता है इस नाम से आता है। क्या पढ़ना पसंद करोगे, राइथ्रोसाइट्स। क्या पढ़ोगे, राइथ्रोसाइट्स। ई साइलेंट है, ये मत पढ़ना एराइथ्रोसाइट्स, नहीं गलत हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे राइथ्रोसाइट्स, ठीक है। किसको बोलते हैं, आरबीसी को, इनका ये दूसरा नाम होता है। तो ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, तो ध्यान रखना रेड ब्लड सेल दिखने में लाल तो होते ही होते हैं लेकिन इनकी जो शेप होती है ना वो गोल होती है, ठीक है, और कभी कभी कुछ इस तरह से भी होती है रफली। वर्ड याद है, हर सेल के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस। तो मैंने नाइन्थ क्लास में भी बताता हूँ कि एक सेल ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होती, आरबीसी। इसकी कोई न्यूक्लियस नहीं होती, आरबीसी की कोई न्यूक्लियस नहीं होती। तो कई बार एक नंबर में आया है कि आरबीसी का लाल रंग क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हाँ, इसका काम क्या होता है वो तो हम फंक्शंस के हेडिंग में पढ़ेंगे, अभी तो हम केवल पार्ट पढ़ रहे हैं। अब अगले सेल आ रहे हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी, ये तो हो गया इसका नॉर्मल नेम, व्हाइट ब्लड कर्पसल्स। अब इसका थोड़ा लॉजिकल नेम देखते हैं। देखो वो होता है हमारा ल्यूकोसाइट्स। इसको दूसरे शब्दों में हम क्या बोलना पसंद करते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो दूसरा नाम इसका ल्यूकोसाइट्स भी होता है। आरबीसी में और इसमें क्या फर्क है, आरबीसी की कोई न्यूक्लियस नहीं होती, इसकी न्यूक्लियस होती है। ध्यान रखना, ब्लड के अंदर जितनी मात्रा में आरबीसी प्रेजेंट होता है ना, मान लो मेरी तरफ से ले लो, आरबीसी के लाखों सेल हैं, आरबीसी कितने हैं, लाखों हैं, तो डब्ल्यूबीसी करोड़ों हैं। इसका मतलब ये हुआ डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी की संख्या से ज्यादा होती है हमेशा। आरबीसी कम होता है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा होता है। उसका एक कारण और है, डब्ल्यूबीसी पता है लगातार आरबीसी को मारता रहता है, खत्म करता रहता है, ठीक है, ग्रोथ खत्म करता रहता है वो उनकी, और आरबीसी उतनी तेजी से फिर बनते भी हैं, ठीक। और ये नॉर्मली ना आरबीसी के मुकाबले थोड़े से बड़े भी होते हैं, आरबीसी का छोटा साइज होता है और डब्ल्यूबीसी का बड़ा साइज होता है। तो अब हम लास्ट करेंगे जिसका नाम है ब्लड प्लेटलेट्स। तो देखो इनका भी कलर नहीं होता कोई, मतलब इनका भी कोई कलर नहीं होता, ये भी दिखने में व्हाइट होती है, लेकिन इनका जो दूसरा नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है इनका दूसरा नाम, थ्रोम्बोसाइट्स। जैसे ल्यूकोसाइट्स, राइथ्रोसाइट्स, वैसे थ्रोम्बोसाइट्स, ये भी ब्लड के अंदर होती है। अब क्वेश्चन ये है कि इनका काम क्या होता है, तो ध्यान रखना कई बार पेपर में पूछा गया है ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, तो ध्यान रखना ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लोटिंग। अब क्वेश्चन ये है कि ब्लड क्लोटिंग क्या चीज है, ब्लड क्लोटिंग का क्या मतलब होता है। तुमने देखा होगा कई बार हमारे चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाती है, ठीक है, कई बार खून नहीं निकलता। अगर प्रैक्टिकली किसी के साथ ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो मेरी बात सुनो ध्यान से। कई बार जब हमारे चोट लग जाती है, या फिर तुमने देखा होगा गेट होता है ना, गेट की जब हम कुंडी लगाते हैं, कुंडी लगाते वक्त अक्सर क्या होता है, उंगली पिचक जाती है कई बार गलती से, कई बार उंगली कुंडी के बीच आ जाती है, तो वो गलती से पिचक, कोई जान के तो करता नहीं है, इंजरी तो गलती से ही होती है, तो अचानक से पिचक जाती है। तो कई बार देखना ऐसा किसी के साथ जरूर हुआ होगा कि हमारा खून नहीं निकलता लेकिन एकदम से वहां पर रेड हो जाता है,
रेड हो जाता है और कुछ दिनों बाद देखते हैं तो काला काला होने लगता है, यही है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का एक फायदा होता है, कई बार क्या होता है चोट है ना जरूरत से ज्यादा लग जाती है, अंदर ही अंदर चोट जरूरत से ज्यादा लग जाती है, बॉडी के अंदर हमें पता नहीं चलता लेकिन अंदर ही अंदर ब्लड निकल सकता है, गड़बड़ हो सकती है, और ब्लड नहीं निकलता तुरंत ब्लड को क्या कर दिया जाता है, क्लोट कर दिया जाता है। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है खून को जमा देना, तो ब्लड क्लोटिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जीवन को बचाने के लिए, वरना ब्लड निकलता रहेगा तो डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे में ब्लड क्लोटिंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, और ब्लड क्लोटिंग सिर्फ किसकी वजह से होती है, ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से, क्योंकि इन्हीं के अंदर होता है विटामिन के, और विटामिन के खून को जमने में मदद करता है। अगर खून में विटामिन के ना हो तो ब्लड जमेगा नहीं। तुमने देखा होगा खून जब निकलता है तो कुछ देर बाद सूख जाता है, दैट इज कॉल्ड विटामिन के। इसी की वजह से ऐसा होता है कि खून बहुत जल्दी सूख जाता है या जम जाता है या गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। That is why blood clotting is helpful to save the life. Life को सेव करने में, खैर हम इतना नहीं पढ़ेंगे ब्लड क्लोटिंग के बारे में, ब्लड प्लेटलेट्स की बात हुई थी इसलिए मैंने थोड़ी बहुत बातें बता दी प्लेटलेट्स के बारे में। मैंने वही बताया था ना, कोगुलेशन मतलब क्लोटिंग, क्लोटिंग मतलब खून को जमाना, तो ये ब्लड को ना कोगुलेट करने में मदद करती है, लिख लो। तो कई बार एक नंबर में पूछा गया है ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोगुलेशन कौन से विटामिन की वजह से होता है, विटामिन के। ब्लड क्लोटिंग में कौन से सेल हेल्प करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, फंक्शंस ऑफ ब्लड। सबसे मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। भाई सबको पता है, अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि ब्लड का मेन पर्पस क्या ट्रांसपोर्ट करना होता है, ऑक्सीजन। तुम्हें मालूम है ना, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया बताऊंगा लेकिन मैं पूरा अभी भी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा पूरा, क्योंकि अभी मुझे हर्ट पढ़ाना बाकी है। फंक्शन तो तुम्हें सही मात्रा में तभी समझ में आएगा जब मैं हर्ट और लंग्स को एक साथ मर्ज करके पढ़ाऊंगा, वह अगला ही टॉपिक है, आने वाला है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखो। देखो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है ना, बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसमें ऑक्सीजन पहले से मिक्स है, नहीं, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलानी पड़ती है। कोई हवा में काम नहीं हो रहा है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिली मिलाई है, नहीं, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिली मिलाई नहीं होती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलानी होती है। और ये ऑक्सीजन बॉडी को कहां से मिली है, रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन किसके अंदर हो रहा है, लंग्स के अंदर हो रहा है। तुमने एक बात गौर करी होगी, जब मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो मैंने रेस्पिरेशन में बताया था कि जो हमारी ब्रोंकाई होती है और जो एल्वियोलाई होती है वो ब्लड वेसल से कनेक्ट होती है। मतलब जो लंग से ऑक्सीजन मिली है ना हमें, ध्यान से सुनो, रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा जो लंग से हमें ऑक्सीजन मिली है वो ऑक्सीजन किसके अंदर मिलाई जाती है, ब्लड के अंदर। और ब्लड कैसा बन जाता है मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, जब ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिला दिया जाएगा ना, अब ये ब्लड बन चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान रखना। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दो शब्द याद हो जाएंगे, एक तो ऐसा ब्लड जिसमें क्या मिक्स हुई भी है, ऑक्सीजन, मतलब जिस पर किसने काम कर रखा है, लंग्स ने, कि ले जाओ इस ब्लड को, ये मैंने डब्बे में भर के तैयार कर दिया है, थोड़ा फनी लैंग्वेज में समझो, ये मैंने डब्बे में भर के तैयार कर दिया है ऑक्सीजन मिक्स करके, ले जाओ इसे। ये डब्बा वो किसको उठाकर दे देता है, हर्ट को। ध्यान से सुनो, खैर मैं अभी हर्ट के पूरी तरह से फंक्शन जानकर नहीं बता रहा, अभी इतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। मजा तो तब आएगा जब मैं हर्ट का डायग्राम बना के प्रॉपर फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा, तब समझेंगे। अभी ध्यान रखो, इस ब्लड के थ्रू ये पूरी ऑक्सीजन कहां पर मिल जाती है, पूरी बॉडी को। कैसे मिलती है मत ध्यान दो, क्योंकि कैसे मिलती है वो काम हर्ट का है, और मैंने हर्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ना तो तुम्हें चैंबर्स पता है और ना ही डबल सर्कुलेशन पता है, नहीं सिंगल सर्कुलेशन पता है, इसलिए अभी ज्यादा बातें समझ में नहीं आएंगी। तो ये तो हो गया इसका मेन काम। देखो सारे काम मेन है, ऐसा थोड़ी ना है कि एक काम जरूरी है और दूसरा काम जरूरी नहीं है, भाई ब्लड का होना ही जरूरी है। बॉडी के अंदर से ब्लड निकाल लो, बचा ही क्या, बता, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। और तुम्हें मालूम है अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन ना मिले, ये बात मैंने कई बार बता दी है, अगर ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले हर दो या एक मिनट बाद, तो कम से कम 3 या 4 मिनट बाद वो काम करना बंद कर देगा। और ब्रेन ने काम करना बंद करा तो सारे पार्ट्स अपना काम भूल जाएंगे, क्योंकि ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को। अगर ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट अपना फंक्शन भूल जाएगा, लंग्स अपना फंक्शन भूल जाएगा, किडनी अपनी फंक्शन भूल जाएगी, सारे काम रुक जाएंगे। तो ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड, हार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड,
लंग्स तक हर जगह, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो तुम्हें मालूम है CO2 ट्रांसफर करने का काम भी ब्लड करता है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड प्लाज्मा। याद करो बात, जब मैंने नंबर 1 पॉइंट लिखवाया था कंपोनेंट्स में, ब्लड प्लाज्मा बताया था ना, मैंने बताया था ब्लड प्लाज्मा CO2 ट्रांसफर करता है। ब्लड प्लाज्मा जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे ट्रांसफर करता है, ब्लड प्लाज्मा न्यूट्रिशन ट्रांसफर करता है ना। ये काम किसका होता है? ब्लड प्लाज्मा का। और ये भी किसके अंदर होती है? ब्लड के अंदर ही होती है भाई। तो बॉडी के अंदर अगर CO2 ट्रांसपोर्ट करवानी है तो हमें किसको बुलाना पड़ेगा? ब्लड प्लाज्मा, इधर आओ, चलो CO2 लेकर जाओ। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब हमारे फूड से जितने भी पोषण मिले आए हमें, जितना भी अच्छा पोषण मिला है उसको भी अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम ब्लड कर रहा है। ब्लड का मतलब है ब्लड के अंदर के सेल्स, ठीक है, ब्लड के अंदर के कंपोनेंट्स, ये काम कर रहे हैं। बहुत सारा डाइजेस्टेड फूड ऐसा होता है और एब्जॉर्ब फूड होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो वो ले जाने का काम ब्लड। तो देखो जितना भी वेस्ट मटेरियल रह गया है उसको भी तो बाहर करना जरूरी है, तो किडनी यहां पर आकर सामान लेगी? नहीं, किडनी कभी भी वेस्ट मटेरियल लेने के लिए खुद नहीं आती, वेस्ट मटेरियल वहां तक पहुंचाया जाता है और वहां तक वेस्ट मटेरियल डिजॉल्व फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल यूरिन, तुम्हें मालूम है ना यूरिन वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे किसी भी तरह की बॉडी हो, अंदर होने वाला, उत्पन्न होने वाला जो यूरिन होता है हमारा, वो वेस्ट मटेरियल होता है। और यूरिन क्या वो खुदा के लेती है किडनी? नहीं, किडनी तक पहुंचाया जाता है, किडनी तक यूरिन को पहुंचाया जाता है और ये काम भी ब्लड करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी का मतलब होता है जो भी हमें बाहर एक्सक्रीट करना है वाला सामान, जो भी सामान हमें बाहर फेंकना है ना बॉडी के, वो सामान भी कौन इधर उधर भेजता है? ब्लड भेजता है, लेकिन लिक्विड वाली फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं, लिक्विड वाली फॉर्म में। तो तुम ये भी लिख सकते हो एक्सक्रीटरी के लिए, वेस्ट मटेरियल एक ही बात है लेकिन बढ़िया रहेगा कि एक्सक्रीटरी ही लिखो। देखो बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है ब्लड का। एक बढ़िया काम और है, जब फंक्शंस पढ़ ही रहे हैं तो एक दो और पढ़ लेते हैं, आसान से हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। गर्मियों में हम किस तरह के एनिमल है बताओ? हम वार्म ब्लडेड एनिमल है, हॉट ब्लडेड एनिमल, हमारा खून गर्म है। गर्म का मतलब ये नहीं गर्मा गर्म खून है, ब्लड हॉट होने का मतलब है, ब्लड वार्म होने का मतलब है हम अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर के अनुसार। इस समय गर्मियों का समय तो हम अपने टेम्परेचर को अंदर ही अंदर मेंटेन कर रहे हैं, सर्दियों में फिर मेंटेन करते हैं, हर ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे कि रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो यहाँ पर टेम्परेचर का मतलब वही चीज है। खैर ज्यादा डीपली मत सोचो, सिंपल भाषा में लिखो कि ब्लड हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी काम करता है, बस इतनी सी बात हो गई, खत्म। तुम्हें एक चीज याद होगी, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? WBC। और मैंने बताया था WBC जरूरी है बॉडी को बीमारियों से बचाने के लिए। तो ब्लड का एक काम ये भी होता है भाई, सीधी बात है, खून की कमी हो जाएगी। अगर तुम्हारी खून की कमी हो जाए ना तो तुम्हारी इम्यून पावर क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। कोई छोटी मोटी बीमारी, मान लो जरा सा टेम्परेचर चेंज हुआ, तुम बीमार पड़ सकते हो, हैवी डिसीज हो सकती है। तो अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा है ना तुम्हारी बॉडी का, तो तुम इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ने वाले, क्योंकि तुम्हारी पावर स्ट्रांग है। तो ब्लड हमें बीमारियों से भी बचाता है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड बहता है तो ये हमें कवर भी करके रखता है। तो देखो अब बारी आएगी अगले टॉपिक की। मैंने बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो हमें कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने हैं। जैसे कि हमने ब्लड के बारे में बहुत सारी बातें जान ली है, अब जरूरी ये है कि इस ब्लड को पंप करने का काम, पंप सुना है? पंप भाई प्रेशर लगाना, ठीक है, ध्यान रखना पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को धक्का देने का काम, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करने का काम, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को तेजी से सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? हर्ट। मेन पर्पस यही है, ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, प्रेशराइज करता है। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, तुम्हारी बुक के अंदर हर्ट का डायग्राम दे रखा है, कई बार पेपर में अब तक बनाने को आ चुका है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि तुम्हें ये डायग्राम या तो घर से बना के लाना है या अभी के अभी बना सकते हो तुम हाथों हाथ, 2 मिनट का काम है मुश्किल से। मेल के अंदर तो 300 ग्राम का हर्ट होता है, मेल के अंदर जो हर्ट होता है ना उसका वेट ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? 300 ग्राम। लेकिन फीमेल के अंदर, लेडीज के अंदर ये हर्ट का वेट कितना होता है? 250 ग्राम, ओनली 250 ग्राम। नाउ आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ हर्ट वी मूव ऑन द अदर टॉपिक दैट इज चैम्बर्स ऑफ हर्ट। नाउ क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड इज दैट व्हाट आर द चैम्बर्स?
लेट मी टेल यू वन थिंग, एवरी हर्ड, एवरी एनिमल हर्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स अवर हर्ड इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. अवर हर्ड इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ वो होता है? चार पार्ट्स में. नाउ लेट अस कंसीडर दीज फोर पार्ट्स एट डिफरेंट पोजीशन. सपोज दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हर्ट एंड इट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. लेट अस से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट. द अपर टू पार्ट्स आर कॉल्ड एट्रियम. These two upper parts are called upper chambers. And the third and fourth part, these are called lower chambers. And they are known as ventricles. So every heart is divided into some parts. In case of human beings, there are four different parts which are based on the functions. तो फंक्शंस के बेस पर इनको चार भागों में बांट दिया जाता है. ऊपर वाले दो पार्ट क्या कहलाते हैं? एट्रियम, जिनको हम अपर चैम्बर्स कहते हैं. और नीचे वाले दो पार्ट क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल, जिनको हम लोअर चैम्बर्स कहते हैं. अब इन चैम्बर्स का क्या काम होता है वो हम आगे के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. तो देखो, ये जो ऊपर के दो चैम्बर होते हैं, इन दोनों चैम्बर के बीच में ना एक डिवीजन होता है. मतलब इन दोनों को किसी एक चीज से अलग अलग किया जाता है. पहले चैम्बर को दूसरे से और दूसरे चैम्बर को पहले से बीच में एक लाइन अलग करती है, उसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम. तो ये वो चीज होती है जिसकी वजह से ऊपर वाले दो चैम्बर अलग अलग हो जाते हैं. इसी तरह से नीचे वाले दो चैम्बर भी आपस में अलग अलग हो जाते हैं, उस चीज को बोला जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम. तो ऊपर वाले दो चैम्बर को अलग करने का काम इंटर एट्रियल सेप्टम करता है और नीचे वाले दो चैम्बर को अलग करने का काम इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम करता है.